अरे भाई लोग, एक किस्सा याद आया मुझे। और खुदा ने बंदे से खुद पूछा, अबे चढ़ तो गया, उतरेगा कैसे? कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी को देख लें और एक गलत फैसला ले लें। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई दया, दो चाय बना देना। अच्छी, बिल्कुल बढ़िया, दोनों मीठी मीठी एकदम बढ़िया। हाँ। अरे पर भाऊजी, कल की बात देखो, अपन बात ही कर रहे थे और भाई साहब आ गए। अरे वो तो, अरे कितना विनम्र आदमी था यार, बहुत सज्जन। हाँ। इंसान कोट पैंट पहन के रखा था, फिर भी ऐसा लग नहीं रहा था कि दिमाग पे घमंड है जरा सा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। और दया भाई विनम्रता की परिभाषा समझा गए। वो छोटी सी दुकान पे रुक गया चाय पीने के लिए। देखो कहाँ रुकते हैं ऐसे लोग, कार वाले, फाइव स्टार में पीने वाले। सही बात, टाइट बूट। और वो, और सबसे बड़ी बात, बिना पंचर हुए। पंचर के लिए तो तुम्हारी दुकान में तो वहाँ पे कील घुसेड़ के रखता है, वहाँ पे रोड पे कील बिछाता है, वहाँ पे पंचर हो जाए ताकि वहाँ पे आ जाए। और इस्माइल भाई कल तो डायलॉग आपका मजा आ गया। अरे बस ऐसे कभी कभी मार देते हैं डायलॉग। बस। अरे कभी कभी खा भी लिया करो, मारा मत करो, खिला दो। चलो उधर अरे भाई आइए, वकील साहब आइए, बैठिए, चाय पिलाते हैं आप। अरे भाई मैं वकील नहीं हूँ, मैं तो एक पत्रकार हूँ। आपका काला कोट देख के तो मुझे यही लगा कि वकील साहब सीधे कोर्ट से चले आ रहे हैं। अरे बैठिए बैठिए। नहीं, मैं एक पत्रकार हूँ और मैं क्रिश्चियन समाज के लिए काम करता हूँ। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। आइए बैठिए। अरे जनाब, आजकल तो पत्रकारों का ही बोलबाला है। अरे यार, देश चल रहा है इनसे। मीडिया होना बहुत बड़ी बात है। तू तो खूब पेपर पढ़ता है। मैं रोज पेपर पढ़ता हूँ। आपकी भी न्यूज छाप दे एक, बोलो तो। अरे जनाब अपना तो। अरे भाई लोग, एक किस्सा याद आया मुझे। सुनाए वो। एक बार एक बूढ़ा बाप अपने 25 साल के बेटे को लेके ट्रेन से जा रहा था। उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई रास्ते में, आसपास वाले, और वो क्या खिड़की से देख रहा था जी। तो वो बोले, पेड़ पीछे जा रहे हैं पापा। ओहो। और फिर बाद में बोलता है कि बादल आगे जा रहे हैं। अब वो आसपास वाले हंस रहे, देख रहे थे। वो न्यूली कपल बैठा था पास में, नया शादीशुदा जोड़ा ना, वो भी हंस रहे फलाड़ा ढिमका। फिर वापस बोला, बाबा बादल अपने साथ चल रहे हैं और बोले पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो वो हंस रहे। उसके बाद फिर उन्होंने पिताजी को बोला कि अरे अंकल, आप इसका इलाज क्यों नहीं कराते आप? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है सब। हाँ, ज्ञानी तो मिल जाते हैं ट्रेन में बहुत सारे। झाड़ फूंक बाप जो है, मन उदास हो गया उसका। तुम्हें तो बाबा बाबा को दिखा है? अरे रुक ना, सुन तो ले। चलो। नीचे मुंह करके बोला कि बेटा, अभी तो लेके आ रहा हूँ अस्पताल से उसको इलाज करके। अच्छा। उसके बाद भी ये बताओ क्या कर सकते। मैसेज तो हुआ क्या था चड्डा साहब? हवा भाया, साया माया, हवा भवन का चक्कर है, हवा भवन का। अरे आजकल तो मैं पहले ही बोलता हूँ, हाईवे पे जाना है, ट्रेन में जाना है ना, तो पहले देख के बैठो। नहीं, रात पड़ेगा, बच्चे का काला धागा तो बांधना पड़ेगा। हवा भवन का चक्कर होता है आजकल। अरे कुछ नहीं होता है, नींबू मिर्ची मांग मान लो, कुछ भी नहीं होता है आजकल। मुंबई में वो जो है ना, प्लास्टिक के नींबू मिर्ची आ गए हैं। वो लगा दो आप, मिर्ची और वो नींबू प्लास्टिक का। हाँ, वो लगा दो परमानेंट, रोज खरीद, शनिवार शनिवार खरीदने की जरूरत नहीं। तो वो ऊपर वाला भी काम फिर प्लास्टिक का ही करे फिर क्या? वही तो है बस। क्यों वकील साहब? अरे सॉरी, आप तो पत्रकार है, कल लिए छाप मत देना बस। अरे भाऊ जी, वो ट्रेन चल रही थी, रुक गई। ट्रेन का क्या हुआ? कौन सी ट्रेन? ट्रेन जा रही थी ना। तुम ट्रेन कहीं भी खड़ी कर देते बाबूजी, तो बच्चे से वही सीख मिलती है। टेशन से टेशन चलाओ, किसी का भी टेंशन
आपको नहीं पता है कि किसके दिल में क्या है, उसके साथ क्या घट रहा है, आपके साथ क्या घट रहा है, आप कहाँ आ रहे हो और क्या जा रहे हो, आपको किसी की प्रॉब्लम पता नहीं है, तो आप पहले से जज मत करो कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। सही बात। पहले उससे पूछो कि क्या है प्रॉब्लम, क्या नहीं है। हर के साथ प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप उससे पूछो कि क्या है तेरी प्रॉब्लम। हाँ, ऐसे ही हंसी में उड़ा देना, ये कोई जीवन नहीं होता है। ये ऊपर वाले की दया है कि आप दूसरे को पूछो, उससे बोलो कि क्या है तेरी तकलीफ, मैं तेरी कोई मदद कर सकता हूँ क्या। फिलहाल मैं आप सबको चाय पिला के आप सबकी मदद करता हूँ। बिल्कुल मीठी वाली। अरे मैं तो कहता हूँ कि जनाब कि खुद ही को कर बुलंद इतना कितना तैसे तैसे, और खुदा ने बंदे से खुद पूछा अबे चढ़ तो गया है उतरेगा कैसे। यार तुम तो बस हमारी। अरे बाबूजी ये तो बताइए वो पिता कौन था, वो ट्रेन वाला किस्सा जो आपने सुनाया उसमें वो पिता कौन था। क्या हुआ जी? क्या हुआ? अरे बाबूजी कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? वो पिता, दया भाई वो पिता जनाब। चड्डा जी थोड़ा सबर रखिए, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, सबर रखिए थोड़ा। हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा। हाँ, चाय पिलाऊं? आपने आज आंखें नम कर दी। मेरा कहने का मतलब यही है बस कि हम वस्तु स्थिति से परिचित नहीं होते हैं, सामने वाले पे आरोप लगा देते हैं, उसकी पीड़ा उसका दर्द कुछ समझते नहीं है, और उससे पूछते भी नहीं है कि तेरे पास क्या दर्द है, तेरे को क्या हुआ। नहीं तो किसी को भी जज करना नामुमकिन। सत्य बात। तो उसको पहचानो पहले, उससे बातें करो, उसके बाद उसको जानो, उसको पहचानो, उसके बाद मेल मिलाप करो, तब आप किसी को जान सकते हैं कि क्या है। वो पिताजी जो ट्रेन में अपने बच्चे को ऑपरेशन करा के लेके आया था, वो हंस रहे थे लोग उस पे, तो ये नहीं होना चाहिए। बस मेरी बस सबसे यही प्रार्थना है कि अच्छे रहो, दूसरों का भला करो, और पूछते रहो हाल। हाल पूछने से मैं तुम्हारी दुकान पे आता हूँ, मुझे क्या जरूरत है। आपने सही बोला। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को देख के कुछ जज कर लेते हैं। हाँ, सही बात। कुछ धारणा बना लेते हैं कि अरे ये तो ऐसा। अभी भाई साहब ने मेरे को काला कोट पहने देखा तो वकील बोल दिया, जबकि मैं वकील हूँ नहीं, मैं पत्रकार हूँ। सही बात। तो ऐसा कई तो इसलिए कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी को देख लें और एक गलत फैसला ले लें। बिल्कुल सही। बिना जाने पहचान पहचानना जरूरी है।